जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सूरज भगवान की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण का पुत्र था जो रोज सुबह उठते ही नहा धोकर माँ से रोटी मांगता था। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा, तुम कोई ना कोई नित्य नियम रख। लोग तो सुबह सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद रोटी खाते हैं। तुम तो सुबह उठते ही सूरज भगवान के दर्शन करके रोटी खाने का नियम रखता है। थोड़े दिन हो गए। एक दिन सूरज भगवान ने कहा कि मैं इसके परीक्षा लेकर देखता हूँ कि यह सच्चे मन से मेरा दर्शन करता है या नहीं। एक दिन सूरज भगवान बादल में छुप जाते हैं। वह सूरज भगवान का दर्शन करने के लिए घर से जंगल में निकल जाता है और सूरज भगवान को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। उधर चार चोर चोरी करके जंगल में चारों में बांटने के लिए रुक जाते हैं। सूरज भगवान कहते हैं कि यह तो मेरा सच्चा भक्त है, पूरा दिन हो गया। इसे भूखा प्यासा देखकर सूरज भगवान उसे बादल फाड़ कर के दर्शन देते हैं। सूरज भगवान को देखते ही ब्राह्मण का पुत्र कहता है कि दिख गया दिख गया। उधर चारों ही चोर चमक जाते हैं कि इस लड़के ने अपने का धन बांटते हुए देख लिया। चोर उसे बुलाकर लाते हैं और कहा कि तुमने क्या दिखा। दिख गया तो दिख गया, लेकिन तुम किसी के पास चुगली नहीं खाना, आधा धन तुम लेकर जाओ। ब्राह्मण का पुत्र आधा धन लेकर घर आ गया और माँ को कहा कि दरवाज़ा खोल। माँ ने कहा कि बेटा, तुम पूरे दिन कहाँ गए थे, अब तो ऐसा नियम नहीं रखना। बेटे ने कहा कि माँ, तुम दरवाज़ा तो खोलो, मेरे ऊपर सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं, इतना सारा धन लेकर आया हूँ। जब कहावत है कि नियम रखना तो ब्राह्मण के पुत्र जैसा सच्चा नियम रखना, हे सूरज भगवान उस पर प्रसन्न हुए जैसे सभी पर प्रसन्न होना। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।